आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ कि 85% मामलों में घर पे ही कोविड पॉजिटिव होने यानी कोरोना होने के बाद भी इलाज किया जा सकता है। तो आपको अगर घर पे ही रह के इलाज कराना है तो उसके लिए क्या करना है, आज हम वो बात करेंगे। अगर आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, सर दर्द, आंख में दर्द, आंख में लाली, पैरों में दर्द, पेट में दर्द और जकड़न, सुस्ती, उल्टी, दस्त, ये कोई भी, और सबसे बड़ी बात है गले में खराश, बदन में दाने, कोई भी ऐसी चीज अनयूजुअल आपको हो रही है तो आप कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराइए, जो भी अवेलेबल हो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ कि 85-85% मामलों में घर पे ही कोविड पॉजिटिव होने यानी कोरोना होने के बाद भी इलाज किया जा सकता है। आपने सुना होगा कैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात में किस तरह से हाहाकार, बेड नहीं मिल रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग दम तोड़ रहे हैं। तो आपको अगर घर पे ही रह के इलाज कराना है तो उसके लिए क्या करना है, आज हम वो बात करेंगे। सबसे जरूरी है कि घर आप थर्मामीटर ले लीजिए और पल्स ऑक्सीमीटर, दो चीज बता रहा हूँ, थर्मामीटर ले लीजिए और पल्स ऑक्सीमीटर। आपको एक कॉफी पेन लेना है और उसमें चार्ट बनाना है, उसमें लिखिए, मतलब आज जैसे मान लीजिए 26 तारीख है तो 26 4 अप्रैल इतने बजे मैंने सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे दोपहर में, फिर 6 बजे दोपहर में, शाम को फिर 10 बजे रात में, ऐसे करके लिखते जाइए कितनी बार आप नाप रहे हैं, कितना सेचुरेशन है, SpO2 कितना है यानी सेचुरेशन आपका कितना है, और हार्ट रेट यानी पल्स कितना है, पल्स रेट कितना है, और टेम्परेचर यानी बुखार है कि नहीं, ये तीन चीज आप नापते रहिए। आपको पल्स ऑक्सीमीटर पे हार्ट रेट और सेचुरेशन दिखा रहता है। अगर आपका सेचुरेशन ही है आप आराम से आइसोलेट रहिए, अलग घर के कमरे में रहिए और कोई एक घर का बंदा जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे खाना जो है दरवाजे के बाहर रख के चला जाए। टॉयलेट आप कोशिश कीजिए कि जो है अगर घर में एक ही टॉयलेट है तो आप सबसे पहले जाइए और आपके जाने के 15-20 मिनट बाद ही कोई दूसरा इसको यूज करे। इसके अलावा क्या दवाइयां लें, दवाइयां बहुत सी हैं, उस पर मत जाइएगा। आपको जो दवा बता रहा हूँ वो सबसे है कि रेस्ट करना है, आराम कीजिए घर में, समझ रहे हैं, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, रेस्ट कीजिए, तलावत कीजिए, आजकल वैसे भी रोजा चल रहा है, थोड़ा बहुत आधा घंटे के लिए टहलने निकलिए, अगर घर में बालकनी है तो ठीक है, नहीं तो रूम में ही आप जो है चहल कदमी कर सकते हैं। बहुत खांसी आ रही है तो कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, लेकिन सबसे अच्छा है कि ये ब्यूटी कार्ड ब्यूटिलोसिनाइड होता है, अगर ये अच्छी तरह हिला के दो बार, एक पफ दो पफ, दो बार दो पफ सुबह दो पफ शाम ले लें तो फायदा करेगा। इसके अलावा कोई भी थ्रोट लोसेंजेस, कोपेसिल या एलेक्स वगैरह ले सकते हैं। बुखार के लिए 650 mg क्रोसिन 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं अगर ज्यादा आपका वजन है तो, हर 4-6 घंटे में, दिन में 4-6 बार ले सकते हो क्रोसिन दवा। आपको बदन दर्द से भी, आपको जो आलस है, जो वो बदन आपका टूट रहा है, बुखार हो रहा है, दोनों से राहत मिलेगा। तीसरा मैंने कहा रेस्ट, मैंने कहा पैरासिटामोल, तीसरा है बहुत सा पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए कि आप हर 3-4 घंटे में पेशाब करने जा रहे हैं, यानी लॉट ऑफ लिक्विड लेना है। चौथा ढेर सारा फ्रेश फ्रूट्स खाइए धुल के अच्छी तरह, प्रोटीन लीजिए घर में, और जो खाना खाना चाहते हैं खाने में कोई मनाही नहीं है, सब खाना खा सकते हो आप। गलाला, नमक से गलाला करने पे थोड़ा खराश में राहत मिलेगा, स्टीम लेने से, स्टीम अगर घर में है, नहीं है आपके पास वो मशीन तो आप क्या कहते हैं कोई भी तौलिया डाल के पानी खोला के थोड़ा भाप ले सकते हो, स्टीम से आपको फायदा मिलेगा।
तो ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर 92 से नीचे सैचुरेशन जाए तो आप बंदे को प्रो पोजीशन पे रखोगे तब भी आपका थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ जाता है। रात में या दिन में सोते वक्त भी कहिए कि थोड़ा प्रोन पोजीशन पे सोए आधा एक घंटा दो घंटा, तो उससे फायदा मिलेगा। नहीं हो तो 3-4 तकिया रख के 30 डिग्री पे, इसको प्रॉपर पोजीशन कहते हैं, ऐसे भी आदमी को लिटाया जा सकता है, उससे भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। लेकिन 92 से नीचे है तो कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से आपको सलाह मिल जाए। और नहीं हो, अगर रात उठ की बात है, तो सिलेंडर रखिए और ऑक्सीजन 2 से 3 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट तक आप जा सकते हैं। नेजल कैनुला होता है, वो नाक में लगा दिया जाता है, उससे ऑक्सीजन फ्लो मिलता रहता है। इतना आप करिए, अगर फिर भी जो है आपका सिचुएशन नहीं बढ़ रहा है, आप जो है 1 मिनट तक उठा बैठी करते हो 1 मिनट तक, और फिर भी आपका सिचुएशन जो है और कम हो जाता है 1 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद, आपको फौरन एडमिट होना पड़ेगा। तो 92 जो है तो आप लिमिट समझिए कि ऑक्सीजन स्टार्ट करने की, और उसी टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करने की। थैंक यू।